उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी पर जा गिरा है। इस हादसे में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लापता लोगों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। यह हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर रतौली के पास हुआ, जहाँ यात्रियों से भरा ट्रैवलर अचानक नियंत्रण खो गया और नीचे लुढ़कते हुए अलकनंदा नदी में समा गया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लोग मदद के लिए चीख पुकार करने लगे, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। खबरों के मुताबिक ट्रैवलर में करीब 17 यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नदी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। SP डॉक्टर विशाखा अशोक भद्रणे ने इस हादसे की पुष्टि की है। घटना की खबर मिलते ही SDRF की टीम को भी मौके पर रवाना कर दिया गया है। MRF और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस हादसे में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, जनपद रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन व SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ।